हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिन मास्टर मील्स। और आज बनाते हैं पापलेट फ्राई। ये धो के काट के मैंने साफ़ करके रखा है, काट ऐसे काटा है। इसको स्टफ़ बनाएंगे, तो बहुत बड़ी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, जैसे कि मीडियम साइज़ है, आप देख सकते हो। तो इसको मैंने नमक लगा के रखा है। तो अब बनाते हैं इसका मसाला। जो आउटर पार्ट है, ये आधी चम्मच मैंने लिया है मिर्चीपुर पाउडर, और ये थोड़ा मिक्स मसाला एक चम्मच, और आधी चम्मच हल्दी लिया है। इसमें डालेंगे हम आधा नींबू, नमक तो मैंने लगाया है, तो इसमें आधा नींबू डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच तेल, आधा माने उससे भी कम, पाव चम्मच तेल, और इसको अभी मिक्स करते हैं। ये देखो मैंने मिक्स किया सारा मसाला इसमें। अब हम लगा देंगे पापलेट को। ये देखो इसको बाहर से लगाने का है, अभी ऐसे पूरा बाहर से लगाना, अंदर से अलग मसाला है, तो ये बाहर वाला मसाला है। एकदम पानी भी नहीं डालने का इसमें, कि पानी जैसा हो गया तो वो लगेगा नहीं, लिक्विड टाइप ऐसे लगाने का। ये देखो मैंने सारा मसाला इसी तरह से लगा लिया, अब भी ऐसे लगा लो, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। और अभी इसको मैरिनेशन के लिए रख दो एक घंटा तक, साइड में रखो। अब ये जो है वो पापलेट का स्टफिंग का मसाला है। ये जो मैंने 7-8 मिर्ची लिया है और थोड़ा सा जीरा लिया है, ये देखो, और ये 7-8 लहसुन लिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ा हल्दी, और ये फाइन पेस्ट पीसेंगे, थोड़ा पानी और थोड़ा विनीगर। फिर बनाते हैं अपना मसाला। ये मैंने एक चम्मच तेल डाला है। अब डालेंगे एक प्याज इसमें, प्याज को गुलाबी कर देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, बिल्कुल थोड़ा डालेंगे अपना जो प्याज के लिए। को कांदा ब्राउन हो गया है, अब डालते हैं मिर्ची पाउडर एक चम्मच और आधी चम्मच हल्दी। इससे भी अच्छा कलर आने के लिए कर रही हूँ मैं। और ये मसाला जो मैंने निकाला था वो मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा विनीगर और थोड़ा सा पानी दोनों मिला के मैंने इसको पीस लिया है। थोड़ी देर फ्राई करते हैं। अपना मसाला फ्राई हो गया है, तो गैस करते हैं बंद अभी, और ये ठंडा होने तक रुकते हैं, इसके बाद उसको स्टफ करेंगे फिश को। चलो तो फिर अपना फिश स्टफ करते हैं। ये मसाला अभी ठंडा हो गया है जो मैंने बनाया था, तो ये देखो ये फिश खोलने का ऐसे, और इसको अच्छी तरह से, ज़्यादा भी नहीं डालने का क्योंकि ज़्यादा मसाला अपन खा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जितना चाहिए उतना डाल दो। ये देखो ऐसे, बहुत अच्छी तरह से सारे फिशेस में डाल दो। अभी बाहर से तो मैरिनेट हो गया है ये, ये देखो एक एक चम्मच ऐसे फैला के, चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखो ऐसे भर के रख देने का। देखो मैंने आटा लिया है, ये है चावल का आटा, तो इसमें फिश डाल के इसको कवर करेंगे चावल का आटा से। ये देखो ऐसे
ऐसे करके इसको तेल में डालेंगे। एक चम्मच तेल लिया है मैंने, तो सेम प्रोसेस है, पूरा आटा डालो इस पर और फिर तेल में डालो। और एक ले लो, ऐसे और तेल में डालो। तो अभी हम टर्न करते हैं इसको, क्योंकि ये स्टफ्ड है ना, इसको थोड़ा स्लो गैस पे फ्राई करना चाहिए, वरना फिर बड़े गैस पे वो तो जल सकता है, तो जलने के बाद कोई टेस्ट नहीं आएगी। और मेन बात क्या है ना, फिश जो है ना वो फ्रेश होना चाहिए आपका, और फ्रेश फिश देखना चाहिए वो जो उसका आँख है उसका वाइट रहना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, और फिश हार्ड होना चाहिए। देखो अपना फिश रेडी हो गया है, पलटी मारते हैं। ये देखो अपना फिश रेडी हो गया है, बहुत मस्त लगता है ये फिश, वेरी वेरी टेस्टी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो गैस करते हैं बंद।